एक बहुत ही चर्चित फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, आप सबने देखी होगी, काफी चर्चा में रही, जहां एक व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर एमबीबीएस बनता है। लेकिन हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं सच्ची कहानी से, कहानी पिंकी एमबीबीएस की, जो मंदिर के बाहर भीख मांगने वाली लड़की थी जो बन गई डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक लड़की जो पहले भीख मांगकर गुजारा करती थी, वो अब डॉक्टर बन गई है। यह भगवान बुद्ध के विचारों का ही असर है कि नामुमकिन लगने वाले इस काम को धर्मशाला की पिंकी ने अपनी मेहनत और एक बौद्ध भिक्षु की मदद से मुमकिन करके दिखा दिया। दरअसल मैक्लोडगंज में बुद्ध विहार के पास 4.5 साल की एक मासूम बच्ची पिंकी हरियाण कभी अपनी माँ के साथ लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, लेकिन बुद्ध की दया और करुणा के प्रतीक तिब्बती शरणार्थी भिक्खु जामयांग ने अन्य भीख मांगने वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ उसे भी अपना बच्चा बनाकर उसे नई जिंदगी दे दी, जिसके चलते आज ठीक 20 साल बाद वो ही लड़की पिंकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई है। डॉक्टर बनने के बाद पिंकी हरियाण का कहना है कि मुझे डॉक्टर बनने पर बहुत खुशी हो रही है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बहुत पसंद है। पिंकी ने बताया कि 2004 में वो अपनी माँ कृष्णा के साथ मैक्डोडगंज में त्योहारों के सीजन में बुद्ध मंदिर के पास भीख मांग रही थी, तभी भिक्खु जामयांग की नजर उस पर पड़ी। कुछ दिन बाद भिक्खु जामयांग चरान खड्ड की झुक्की बस्ती में आए, जहां पिंकी अपने परिवार के साथ रहती थी। भिक्खु जामयांग ने पिंकी को देखते ही पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने पिंकी के पिता कश्मीरी लाल से अनुरोध किया कि वो पिंकी को पढ़ाई करने के लिए उनके नए शुरू किए गए एक टैलगेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में भेज दे। ये हॉस्टल उन्हीं बच्चों के लिए था जो झुग्गियों में, गंदी बस्तियों में रहते थे और भीख मांगते थे या फिर सड़कों पर कूड़ा बीनते थे। उसके पिता कश्मीरी लाल बूट पॉलिश करते थे। पिंकी ने बताया कि उसके माता पिता ने शुरुआती नानकुर के बाद उसे जामयाम को सौंप दिया। पिंकी कहती है, मैं टॉलगेन चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्टल में शामिल किए गए बच्चों के पहले बैच में थी। शुरू शुरू में बहुत रोती थी और घर वालों को याद करती थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ हॉस्टल में मन लग गया। वही अन्य बच्चों के साथ पिंकी का भी धर्मशाला के दयानंद मॉडल स्कूल में दाखिला कर दिया गया। स्कूल में टीचर द्वारा पूछने पर कि बड़े होकर वो क्या बनेगी, पिंकी का हर बार एक ही जवाब होता था, डॉक्टर। हालांकि तब पिंकी ने नहीं सोचा था कि अपने पैशन का पीछा करते हुए वो एक दिन सच में डॉक्टर बन जाएगी। पिंकी ने अपनी एमबीबीएस की शिक्षा चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी से पूरी की। भिक्षु जामयांग बताते हैं कि पिंकी पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी थी। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उसने नीट की परीक्षा भी पास कर ली। उसे किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन वहां फीस बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने उसे चीन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में 2018 में दाखिला दिला दिया। वहां से 7 साल की एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके अब पिंकी धर्मशाला डॉक्टर बन लौट आई है। पिंकी बताती है कि जब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी तो उसने अपनी माँ को भीख मांगने से मना कर दिया। वो कहती है, मेरे पिता बूट पॉलिश का काम छोड़कर अब गलियों में चादर और दरी बेचने का काम करते हैं। वहीं मेरी माँ अब टोंगलेन द्वारा स्लम के छोटे बच्चों के लिए खोले गए स्कूल में बच्चों की मेंटेनेंस का काम करती है। पिंकी का एक छोटा भाई और एक बहन भी है, जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टोंगलेन स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका उद्घाटन 2017 में दलाई लामा ने किया था। पिछले 19 वर्ष से टोंगलेन के साथ जुड़े उमंग फाउंडेशन शिमला के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा, भिक्षु जामयांग बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाने की बजाय अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने धर्मशाला और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी है।
उनके द्वारा अपनाए गए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और होटल मैनेजर आदि बन चुके हैं, जो कभी भीख मांगते थे या कूड़ा बीनते थे। वही पिंकी जो अब MBBS बन डॉक्टर बन चुकी है, वो खुद के भिखारी से डॉक्टर बनने का श्रेय भिक्कू जामयांग और टोंगलेन की पूरी टीम को देती है। वो ये कहती भी है कि उसके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझकर हर कदम पर उसका साथ दिया, जबकि जामयांग का कहना है कि शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि बच्चों में इतनी प्रतिभा छिपी हुई है। वो तो यह सोचकर बच्चों के साथ जुड़े थे कि उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देंगे ताकि वो अपना नाम लिखना सीख जाए, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों के वही बच्चे अब समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। वही डॉक्टर बनने के बाद पिंकी का कहना है, अब मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक काबिल डॉक्टर बनने के बाद अपनी स्लम कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ, उसकी सेवा कर सकूँ। और ये करुणा उसके भीतर भिक्कू ने जगाई और बौद्ध धम्म ने जगाई। तो ये थी पिंकी MBBS की कहानी, जो झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अब डॉक्टर बन गई है।